हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे पहले वीडियो में मिल चुके हैं। हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था भाषा। मैं जो भी व्याकरण पढ़ा रही हूँ वो सिक्स सेवन्थ एट्थ तीनों के लिए है, क्योंकि व्याकरण हमेशा एक सी रहती है लेकिन वो क्लास वाइज जाके विस्तारित हो जाती है, थोड़ा उसका रूप थोड़ा सा और बड़ा होता जाता है। तो ये वीडियो सिक्स सेवन्थ एट्थ तीनों के लिए है। बच्चों, हमने आपको पहले बताया था भाषा, एक बार रिवाइज कर लें कि भाषा किसे कहते हैं। भावों के कोई आदान प्रदान को, विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो लिखित और मौखिक, और एक और रूप होता है जो होता है सांकेतिक। आज बच्चों जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो हम पढ़ा रहे हैं वर्ण। ये व्याकरण का हमारा दूसरा लेसन है। अब देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे का, खा, गा और घा। अब हम चाहें अगर हम इसके टुकड़े कर दें तो नहीं हो सकते, इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जब हम इनको स्वरों के साथ जोड़ते हैं तब शब्द बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग लिखे हुए हैं एक एक, इसलिए इसको वर्ण की भाषा में रखते हैं, इसको वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? आपको पता है जब हम एक मोतियों की माला बनाते हैं तो हम एक उसको धागे में अच्छे से पिरो देते हैं, एक वो माला बन जाती है। तो जब हम इसके पूरे का खा गा को छत्र ज्ञा तक जब हम एक अच्छे व्यवस्थित समूह में रख देते हैं तो ये बन जाती है वर्णमाला। वर्णमाला में बच्चों 52 वर्ण होते हैं। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, और तीसरा होता है अयोग वा। तो आज का आपका जो सबसे पहला प्रश्न है, क्या बनता है? वर्ण किसे कहते हैं? आप उसमें ये डेफिनेशन देंगे जो हमने आपको दिखाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे का, खा, गा, घा। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के तीन भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवा। बच्चों, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जब हम आपको बताएंगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवा किसे कहते हैं। आप तब तक हमारा इतना होमवर्क है, आप लोग को करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।